हे गाइस, मेरा नाम है राजेश। आज हम इस ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके फीचर्स को जानेंगे, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पर हम ट्राइपॉड को देखने वाले हैं, इसके फीचर्स को जानने वाले हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये एक बेसिक ट्राइपॉड है जो मोबाइल फ़ोन के लिए स्पेशली है। बाकी अगर आप इसको DSLR के साथ यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें इतनी ज़्यादा मजबूती नहीं है क्योंकि इस पर लाइट वेट भी है और छोटा सा है, तो ये बस काम चला देता है। लेकिन स्टार्टिंग में ये बहुत सही रहता है जब आप किसी भी मोबाइल फ़ोन या DSLR को माउंट करेंगे, तो काफ़ी सही है। वैसे स्टार्टिंग लेवल पर आप इसको सस्ते में ले सकते हैं। बाकी अगर आपका प्राइस बढ़ जाए तो आप अपने बजट के हिसाब से ज़्यादा प्राइस वाले ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर जो दिख रहा है ना, ये आपका है मोबाइल फ़ोन होल्डर। यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, खोल के इसको निकाल भी सकते हैं। वहाँ पर मोबाइल रखेंगे और ये स्प्रिंग जो है ये काम करेगा और मोबाइल फ़ोन को अटैच करने में हेल्प करेगा। इसके बाद यहाँ पर एक और स्क्रू दिया हुआ है, इसको ढीला करने से ये अब वर्टिकल में ऐसे आ जाएगा। वर्टिकल में आप इसको कर सकते हैं। अब इसको टाइट कर देता हूँ वापस से। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर एक और एडजस्टमेंट के लिए दिया हुआ है हैंडल। इसको लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो ये देखिए इस तरह से घूम जाएगा, और इसको वापस टाइट करेंगे तो ये वहीं पर रुक जाएगा। इसलिए आप अपने हिसाब से जब अनबॉक्सिंग वीडियो करेंगे तो इसको इस तरह से करके टाइट कर सकते हो। इसे टाइट कर देने से अब मोबाइल फ़ोन नहीं हिलेगा वहाँ पर। देखिए अब मैं खोलूँगा तब हिलेगा, और टाइट करूँगा तब बिल्कुल स्टेबल रहेगा। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर इसको खोलने से आप जो है स्लाइडिंग मूवमेंट कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट राइट इस तरह से स्लाइड जो करेंगे ना बिल्कुल, तो थोड़ा सा स्मूदी है लेकिन इतना एडवांस भी नहीं है, काफ़ी काम चला देता है। कम से कम ये फीचर है अपने पास है, यही काफ़ी है इस ट्राइपॉड में। तो ये भी इसको टाइट कर दोगे तब मूवमेंट नहीं होगा, और इसको ढीला करोगे तब मूवमेंट होगा। अब नेक्स्ट है ऊपर नीचे का, ये हाइड्रोलिक टाइप का। तो यहाँ पर इसको ढीला करके ऊपर खींच सकते हैं आप अपने हिसाब से, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, और जैसे आपको लगे कि हाँ यहाँ पर ठीक है तो उसको वो नट को टाइट कर सकते हो। काफ़ी लाइट वेट है वैसे तो ये, पर मोबाइल फ़ोन के लिए काफ़ी है अगर आप चाहें तो, और सस्ता भी तो है। इसकी प्राइस बहुत कम है, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी खुल जाएंगे। तीन तीन दिए रखे हैं, इसमें बस प्रेस करने का ऑप्शन है। इसको खींचने से ओपन हो जाएंगे और प्रेस करने से लॉक हो जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से इसकी जो हाइट है वो एडजस्ट कर सकते हो, बिल्ड क्वालिटी देख सकते हो किस तरह है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ इसके फ़ोटोज़ में दिखा रहा हूँ कि कितनी इसकी साइज़ है। आपके बैग में आराम से आ जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल बैग में भी, मतलब मीडियम बैग जो होते हैं उनमें आराम से आ जाएगा। आप इसको ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसको ट्राइपॉड को आप सेल्फी स्टिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं जैसे, और अपने मोबाइल फ़ोन को या DSLR को होल्ड कर सकते हैं। Oh.